हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्वाद की रसोई में। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब स्वस्थ और बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए बहुत बढ़िया और इंस्टेंटली बनने वाली एक रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू पालक वाली कढ़ी, जो बहुत ही ईजिली बन जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पालक वाली कढ़ी बनाने के लिए मैंने 4 से 5 लहसुन की कली ली है, इसको मैंने काट लिया। 1 आलू लिए, इसको भी कट कर लिया। 1 प्याज लिए, इसको काट लिया है। थोड़ी सी पालक लिए और 2 हरी मिर्च लिए, इसको मैंने कट कर लिए। यहाँ पर मैंने घर की दही लिए जमी हुई। अब इसमें 2 चम्मच बेसन डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हमने हींग डाल दिए, जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी अजवाइन। यहाँ हमने साबुत धनिया लिए, इसको क्रश कर लिए। जैसे लहसुन डाल देंगे, अब इसमें प्याज और आलू डाल देंगे। आलू को सॉफ्ट होने तक हम चला लेंगे। आलू और प्याज हमारे भुन चुके हैं, अब इनमें मसाले ऐड करेंगे। नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पालक और मिर्च डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें दही और बेसन का मिक्सर डाल देंगे। इसे 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी कढ़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी आलू पालक वाली कढ़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी बनी है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये बहुत ही कम सामान में बन जाती है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपके पास मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।